हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। और इस टॉपिक से अक्सर जेई मेन्स या एडवांस में क्वेश्चन आता भी रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको पूरा वीडियो उसके लिए देखना पड़ेगा। और हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू सिक्स एंड एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एट एंड एफ सच डेट ए टू बी बी अ फंक्शन देन फाइंड, मतलब कि डोमेन जो है ए से बी में डिफाइन किया, तो ए डोमेन है, बी को डोमेन है, तो डोमेन में सिक्स एलिमेंट्स हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स सिक्स, और को डोमेन में एट एलिमेंट्स हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री से लेकर वाई एट तक। तो हमें सबसे पहले पार्ट में क्या बनाना है कि टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, ठीक है? तो फंक्शन बनने का लॉजिक क्या होता है कि डोमेन में जितने लोग हैं उन सबकी इमेज यहाँ आनी चाहिए और उन सब की एक ही इमेज आनी चाहिए, मतलब कि x1 की वैल्यू, अगर हम x1 को y1 के साथ मैप कर दें तो x1 को हम y2 के साथ मैप नहीं कर सकते, y3 के साथ नहीं कर सकते, और x1 को y1 के साथ मैप किया तो x2 को y1 से मैप करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x1 की मैपिंग किसी एक के साथ ही होगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कर सकते कि x1, x2, x3, x4, x5 की तो मैपिंग कर दी और x6 को हम लोग ने छोड़ दिया खाली, है ना? ये हमें नहीं करना है, तो हमें इन सब की मैपिंग करनी है, ठीक है कि नहीं? तो x1 अगर y1 से मैप होता है तो x1 की इमेज कहलाता है y1 और y1 की प्री इमेज कहलाता है x1, ठीक है ना? x1 को अगर हम y1 से मैप करते हैं तो x1 की इमेज कहलाता है y1 और y1 की प्री इमेज कहलाता है x1, ठीक है? तो चलो अब फंक्शन कैसे बनेगा। जैसे हम फंक्शन बनाने स्टार्ट करें तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमें दिखेगा x1, उसके मैपिंग करने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? आठ ऑप्शन है। को डोमेन के आठ लोगों में से किसी के साथ भी उसको मैप करा सकते हैं। इसके लिए भी कितने ऑप्शन है भाई? मान लो x1 y1 के साथ मैप हो गया तो x2 भी तो y1 के साथ मैप हो सकता है ना, तो उसके लिए भी कितने ऑप्शन है? आठ ऑप्शन है। x3 के लिए भी आठ ऑप्शन है, ऐसे करके x6 के लिए भी कितने ऑप्शन है? आठ ऑप्शन है ना। तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए मैपिंग करने के लिए कितने ऑप्शन है? एट ऑप्शन है। वाई वन वाई टू वाई थ्री से लेकर वाई एट तक हम किसी से भी मैप करा सकते हैं। तो टोटल फंक्शंस कितने हो गए? एट इंटू एट इंटू एट, पूरे लिख लेते चलो अभी, इंटू एट इंटू एट, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स, तो ये कितना आ गया? एट की पावर सिक्स, ठीक। तो इसको आप सीधे सीधे टोटल फंक्शन ऐसे याद रखो कि टोटल फंक्शन हमेशा कितने आते हैं? को डोमेन रेज टू द पावर डोमेन, ठीक है? को डोमेन रेज टू द पावर डोमेन, क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो टोटल फंक्शन हमेशा कितने रहेंगे? को डोमेन टू द पावर डोमेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इन एक्स। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स सबकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो सोच सकते हो बहुत आसान है कि क्या हो जाए कि जैसे ये वाला इस पर देख ले, ये वाली मैपिंग कि सबके सब वाई वन से मैप हो जाए, या तो मतलब एक्स वन पर भी वैल्यू वाई वन हो जाए, एक्स टू पर भी वाई वन हो जाए, एक्स थ्री पर भी वाई वन हो जाए, एक्स फोर पर भी वाई वन हो जाए, एक्स फाइव पर भी वाई वन हो जाए और एक्स सिक्स पर भी वाई वन हो जाए। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ऐसे कितने कांस्टेंट फंक्शन हम लोग बना सकते हैं? सोचिए, एक्स टू एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स सबके सब वाई टू से हो जाए, या सबके सब वाई थ्री से हो जाए, सबके सब वाई एट से हो जाए। तो एक वो बनेगा जब सबके सब वाई वन से मैप होंगे, एक वो बनेगा जब सबके सब वाई टू से, ऐसे ही एक वाई थ्री से, और ऐसे ही लास्ट का बनेगा सबके सब वाई एट से। टोटल कितने केस हुए? जितने कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं। तो टोटल कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ कितने होंगे? एट होंगे। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे टोटल फंक्शन हम लोग ने बोला था कैसे याद रखेंगे? कोडोमेन की पावर डोमेन। तो टोटल कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? सीधे सीधे कोडोमेन होते हैं, ठीक। जितने भी एलिमेंट होंगे कोडोमेन में उतने ही टोटल कांस्टेंट फंक्शन होंगे। चलो अब वन वन फंक्शन की बात करते हैं। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें कि जैसे हम लोग ने बोला था कि फंक्शन में कि अगर एक्स वन वाई वन से मैप हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एक्स टू भी वाई वन से मैप हो जाए, वो फंक्शन रहेगा। लेकिन वन वन फंक्शन क्या कहता है कि अगर एक्स वन वाई वन से मैप हो गया तो एक्स टू वाई वन से मैप ना हो, मतलब कि डोमेन का को डोमेन का जो हर एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट की मैपिंग होगी उन सबकी प्री इमेज एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? सिंपल लैंग्वेज में समझो, इमेज प्री इमेज से मत समझो कि x1 अगर y1 के पास चला गया तो x2 y1 के पास नहीं जा सकता। ऐसे मान लो x2 सपोज कर लो y3 के पास चला गया तो x3 अब y3 के पास नहीं जा सकता, और x1 y1 के पास जा सकता तो x3 y1 के पास भी नहीं जा सकता। तो अगर हम सोचें कि टोटल वन वन फंक्शंस बनाने का,
तो जो एक्स वन एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे कि आठ में से किसी के साथ भी मैपिंग कर ले। ठीक है, तो इसके पास तो आठ ऑप्शन होंगे। अब जो होता है एक्स टू के पास कितने ऑप्शन होंगे, एक्स टू के पास सात ऑप्शन होंगे, क्योंकि इन जिनमें से भी एक्स वन मैप हुआ होगा उससे एक्स टू नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक्स थ्री के पास छः ऑप्शन होंगे, एक्स फोर के पास पाँच ऑप्शन होंगे, एक्स फाइव के पास चार ऑप्शन होंगे और एक्स सिक्स के पास तीन ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन कितने बने, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे समझने का हो गया। दूसरा तरीका, हम इसी आंसर को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें पता है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स इन सब के सब किसी से, कोई वाई वन से होगा, कोई वाई टू से होगा, कोई वाई थ्री, कोई वाई। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि जो को डोमेन वाले एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने यूज़ होंगे, एग्जैक्टली छः यूज़ होंगे, ना कम छः से ना छः से ज़्यादा। ठीक है ना, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स वाई सेवन और वाई एट में कोई छः लोग ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज यहाँ डोमेन में एग्जिस्ट करेगी या फिर डोमेन वाले जिनसे मैप करेंगे, कोई दो लोग जो है वो खाली रह जाएंगे। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए, तो हम क्या करें कि इन आठ में से कोई छः लोग सेलेक्ट कर लें, तो एट सी सिक्स, तो ये छः लोग वो होंगे जिनकी प्री इमेज आएगी। तो बस अब मान लो वो छः लोग आ गए वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स, अब तुम्हें छः लोगों को छः प्लेसेस पे अरेंज करना है, मतलब छः एलिमेंट्स आ जाएंगे उनको इन छः जगह अरेंज कर दो तो मैपिंग हो जाएगी। तो छः लोगों को छः प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका कितना, सिक्स फैक्टोरियल। ठीक, तो एट सी सिक्स इंटू सिक्स फैक्टोरियल। क्लियर है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, तो आप ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक, चलो अब ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ऑन टू फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि वाई वन की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, वाई टू की, वाई थ्री की, वाई फोर की, वाई फाइव की, वाई सिक्स की, वाई सेवन की और वाई एट की, या फिर दूसरे टर्म में बोलें कि को डोमेन में कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ कि फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि डोमेन का हर एलिमेंट मैप करेगा और डोमेन का हर एलिमेंट एक से ही मैप करेगा। ठीक, तो मान लो कि मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि एक्स वन वाई वन से चला जाए, एक्स टू वाई टू से, एक्स थ्री वाई थ्री से, एक्स फोर वाई फोर से, एक्स फाइव वाई फाइव से और एक्स सिक्स वाई सिक्स से, तब भी दो लोग तो छूटने ही छूटने हैं और ऑन टू फंक्शन ये अलाउ नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ डोमेन में कम एलिमेंट है और को डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है, तो किसी ना किसी को तो छूटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स वन है, ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही एक से ही मैप हो सकता है, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो मैक्स टू मैक्स को डोमेन के छः एलिमेंट ही यूज़ होंगे, तो ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे यहाँ पर, जीरो बनेंगे। तो जब भी डोमेन में कम एलिमेंट होंगे और कोर डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो हमेशा ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये पूछा गया कि मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, तो जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा। तो टोटल फंक्शन हम लोग ने कितने देखे थे, कोर डोमेन की पावर डोमेन, तो एट की पावर सिक्स माइनस वन वन फंक्शन कितने देखे थे अभी अभी, एट सी सिक्स इंटू सिक्स फैक्टोरियल। तो टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन हटा दो तो मैनी वन आ जाते हैं। इंटू फंक्शन जो ऑन टू नहीं होता वो इंटू होता है, तो ऑन टू कितने हैं, जीरो, टोटल कितने आते हैं, एट की पावर सिक्स, तो इंटू फंक्शन कितने हो जाएंगे, एट की पावर सिक्स माइनस जीरो यानी कि एट की पावर सिक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने एक चीज़ ऐसे की कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, कोडोमेन की पावर डोमेन, वन वन फंक्शन निकालने का लॉजिक सीख लिया, और दूसरी बात ये सीखी लास्ट में कि हम लोग की जब भी डोमेन में कम एलिमेंट होंगे और को डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो हमेशा ऑन टू फंक्शन कितने आएंगे, जीरो आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डोमेन हैज़ एट एलिमेंट्स एंड को डोमेन हैज़ एट एलिमेंट्स, एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन, देन फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इन एफ। तो फिर से वही काम कि जितने आपकी आपकी चेंज क्या हो गए, जितने डोमेन में लोग हैं उतने ही को डोमेन में लोग हैं। तो हम लोग ने बोला था क्या करते हैं, को डोमेन से कितने लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने डोमेन में होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहे ना एट सी सिक्स, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर छः एलिमेंट थे, अब की यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, आठ एलिमेंट हैं, तो अब की क्या करेंगे, एट सी एट, और फिर आठ लोगों को आठ जगह अरेंज करने का तरीका, तो एट फैक्टोरियल। या फिर ऐसे अगर आपको ना क्लियर हो तो ऐसे समझ लो, जो दूसरा तरीका हम लोगों ने सीखा था कि इसको मैप करने के आठ ऑप्शन होंगे, तो मान लो सपोज कर लो हमने इसको वाई वन से कर दिया, फिर ऐसे ही सात ऑप्शन, फिर छः ऑप्शन, फिर अगले के पास पाँच ऑप्शन होंगे, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा,
चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन, और ये एक मैंने पर्टिकुलर केस बना दिया जब एक्स वन वाई वन से होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्स वन वाई वन से हो, एक्स वन किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जिसके साथ एक्स वन होगा उसके साथ एक्स टू नहीं हो पाएगा। तो एक्स वन के पास 8 ऑप्शन रहेंगे, एक्स टू के पास 7, एक्स थ्री के पास 6, ऐसे करके चलता रहेगा। तो 8 × 7 × 6 up to 1, तो 8 फैक्टोरियल फाइनली आंसर आ जाएगा। ये भी कितना लिखा हुआ है एक तरीके से, 8 फैक्टोरियली लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन अगर इसमें, अब टोटल फंक्शन है किसमें होंगे जल्दी सोचो, 8 की पावर 8, को डोमेन की पावर डोमेन, कॉन्स्टेंट फंक्शन कितने होंगे जितने डोमेन में होते हैं, को डोमेन में होते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे 8। मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, 8 की पावर 8 - 8 फैक्टोरियल, ठीक। अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं, तो देखो जो ये मैंने पर्टिकुलर मैपिंग बनाई है, 1 1 बनाई थी मैंने, तो 1 1 सोच के बनाई थी, लेकिन ये ऑन टू देखो अपने आप बन गई। देखो को डोमेन में कुछ छूटा नहीं है, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और आप कोई भी रैंडम इसमें 1 1 फंक्शन बनाओगे, तो चूंकि यहाँ 8 लोग हैं और यहाँ भी 8 लोग हैं, तो हर पर्सन यहाँ डोमेन का एक से ही मैपिंग कर रहा है, ठीक है। और वैसे खैर एक से ज़्यादा मैपिंग करनी भी नहीं चाहिए रियल वर्ल्ड में, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खैर तो एक पर्सन एक के साथ ही मैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि को डोमेन के सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इस केस में, जब डोमेन और को डोमेन में बराबर एलिमेंट हैं। तो हम लोग बनाएंगे 1 1 फंक्शन, लेकिन वो देखना है कि ऑन टू फंक्शन भी वो अपने आप बन जाएगा। तो जब डोमेन और को डोमेन में बराबर एलिमेंट होंगे, तो जितने 1 1 फंक्शन बनेंगे उतने ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो 1 1 फंक्शन कितने बने, 8 फैक्टोरियल, तो ऑन टू फंक्शन भी कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं। लॉजिक क्लियर ना, कि भाई इधर भी 8 लोग हैं और इधर भी 8 लोग हैं, तो जब 1 1 बनाओगे तो सबकी मैपिंग होगी, जब तो 8 हो गए 8 यूज़ हो जाएंगे, और ऑन टू फंक्शन में हम यही चाहते हैं। अब कोई पूछे कि इन टू फंक्शन कितने बनेंगे, तो वो 8 की पावर 8 - 8 फैक्टोरियल। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि इफ डोमेन, इफ बोथ डोमेन एंड को डोमेन हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एन, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। जब डोमेन और को डोमेन में बराबर एलिमेंट होंगे, तो जितने 1 1 फंक्शन होंगे उतने ही ऑन टू फंक्शन होंगे, और वो टोटल कितने होंगे, एन फैक्टोरियल होंगे। और दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, यानी कि जो 1 1 एंड ऑन टू बोथ होंगे, तो उन उस केस में क्या होगा कि डोमेन और को डोमेन में बराबर एलिमेंट्स होने ही चाहिए, वरना बाइजेक्टिव फंक्शन कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो भी जैसे पहले वाले पार्ट में उन्होंने क्या लिखा था कि जब डोमेन में कम एलिमेंट थे को डोमेन में ज़्यादा थे, तो 1 1 नहीं बन पा रहा था। फिर अभी देखेंगे कि जब डोमेन में ज़्यादा लोग होंगे को डोमेन में कम लोग होंगे, तो 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, शायद अगर कुछ गड़बड़ बोलते हो, कि जब डोमेन में कम लोग होंगे और को डोमेन में ज़्यादा होंगे, तो ऑन टू फंक्शन 0 आएंगे, ठीक। जब डोमेन में ज़्यादा लोग होंगे और को डोमेन में कम लोग होंगे, तो 1 1 फंक्शन 0 आएंगे, ठीक। तो दोनों जब बराबर होंगे तभी बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकता है, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आपकी डोमेन में 7 एलिमेंट्स लिए हैं और को डोमेन में 4 एलिमेंट्स लिए हैं, और ए से बी ये फंक्शन, तो सबसे पहले तो जल्दी से अपने मन में सोच के बताओ कि मन में सोचो कि वो कितना होगा, टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, तो 4 की पावर 7, और कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे, 4, ठीक। चलो अब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन सोचते हैं, तो वो अभी मैं जस्ट बोल के आ रहा हूँ कि जब डोमेन में ज़्यादा लोग होंगे और को डोमेन में कम लोग होंगे, तो 1 1 फंक्शन हमेशा कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई एक्स वन अगर 1 1 फंक्शन बनाना है, तो एक्स वन के पास 4 ऑप्शन होंगे, एक्स टू के पास 3 होंगे, एक्स थ्री के पास 2 होंगे, और एक्स फोर के पास 1 ऑप्शन होगा, फिर एक्स फाइव एक्स सिक्स और एक्स सेवन के पास तो 0 ऑप्शन बचेंगे ना, अगर 1 1 वाली डेफिनेशन रखनी। भाई मान लो एक्स वन वाई वन से हो गया, एक्स टू वाई टू से, एक्स थ्री वाई थ्री से, एक्स फोर वाई फोर से, तो अब इनमें इनको तो इनमें से किसी से मैप होना पड़ेगा ना, तो वो 1 1 फंक्शन तो फिर रह नहीं जाएगा, तो 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 0 हो जाएंगे। अगला सोचें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इन एफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये काम की चीज़ है थोड़ी। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि इन सब के सब की प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ज़रा ऐसे रैंडमली ऑन टू फंक्शन बना के देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक ऐसे ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं कि एक्स वन वाई वन से चला जाए, एक्स टू भी वाई वन से चला जाए, से एक्स थ्री भी वाई वन से चला जाए, और एक्स फोर वाई वन से चला जाए, फिर एक्स फाइव वाई टू से चला जाए, एक्स सिक्स वाई थ्री से, और एक्स सेवन वाई फोर से। तो ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि कोर डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं कि मान लो कुछ ऐसे करते हैं कि इसको x1 को y1 से, x2 को y1 से, x3 को y1 से, x4 को y2 से, x5 को y2 से, x6 को y3 से, और x7 को y4 से, ठीक। और क्या कर सकते हैं,
रैंडम बना रहा है ना, ऐसा नहीं कि यही बना बना के सारे काउंट करेंगे। इसको वाई वन से कर दिया, एक्स टू को वाई वन से कर दिया, एक्स थ्री को वाई टू से किया और एक्स फोर को वाई टू से किया, एक्स फाइव को वाई थ्री से किया और एक्स सिक्स को भी वाई थ्री से किया और एक्स सेवन को वाई फोर से। तो जो मैंने तीन मैपिंग बनाई, ये तो सभी को दिख रहा होगा कि तीनों ही कैसी मैपिंग है, वन वन मैपिंग तो है, ये तो पक्की बात है। तो जैसे इसमें हम लोग ने क्या देखा इस वाले एग्जाम्पल में, कि डोमेन के तीन लोग एक के साथ मैप हुए और बाकी जो डोमेन के सॉरी चार लोग एक के साथ मैप हुए और बाकी जो तीन लोग थे वो एक एक करके मैप हो गए। तो मतलब कि इसमें डोमेन के चार एलिमेंट्स जो थे वो y1 के साथ मैप हो गए, है ना। वो y1 की जगह y2, y3, y4 से भी चार लोग मैप कर सकते थे। तो एक एग्जांपल बनाना है, बनाया है ना। बाकी y2, y3 और y4 से एक एक लोग मैप हुए, है ना। एक लोग किससे किससे मैप हुए, y1, y2 और y3 से, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ कि डोमेन के तीन लोग एक के साथ मैप हुए, है ना। तीन लोग यहाँ पर y1 के साथ हो गए, फिर उसके बाद दो लोग y2 के साथ हो गए, फिर एक एक लोग किसके साथ हो गए, y3 और y4 से। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि दो लोग y1 के साथ हुए, दो लोग y2 के साथ हुए, दो लोग y3 के साथ हुए और एक लोग y4 के साथ हुए, एक लोग यहाँ पर y4 के साथ हुए, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, क्या दिख रहा है आपको, मतलब कैसे ये चीज़ कैलकुलेट की जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बेसिकली हमें इन सात चीज़ों को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, है ना। इन सात ऑब्जेक्ट्स को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम से कम y1, y2, y3, y4 जो ये चार लोग हैं इनको कम से कम एक ऑब्जेक्ट ज़रूर मिले। देखो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सात चीज़ों को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सात डिस्टिंक्ट लोगों को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको कम से कम एक एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट नहीं, एक एक ऑब्जेक्ट जरूर मिले ना। सात डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एवरी वन गेट्स एटलीस्ट वन, है ना। यही कर रहे हैं देखो, है ना, कि जैसे यहाँ पर हम लोग ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि चार ऑब्जेक्ट्स वाई वन को दे दिए। हम ये भी कर सकते थे कि चार ऑब्जेक्ट्स वाई फोर को दे देते, एक एक ऑब्जेक्ट किसको दे देते, वाई वन वाई टू वाई थ्री को, है ना। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्या कि दिस क्वेश्चन इज आइडेंटिकल टू डिस्ट्रीब्यूटिंग सेवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एमंग फोर पर्सन या प्लेसिंग सेवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन फोर बॉक्सेस सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट और सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। मतलब कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं चाहिए, सात डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को चार बॉक्सेस में रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। और ये हम लोग सीख चुके हैं, ये किस में हम लोग ने सीखा था, लास्ट वीडियो में, जो कि ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देख लो और फिर इस क्वेश्चन में हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो यही हम लोग लिखा है, हेंस क्वेश्चन इन एनालॉगस टू पुटिंग सेवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन फोर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेंस एम्प्टी। तो इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो लगा देते हैं। तो ये देख लेंगे ग्रुपिंग कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग फोर वन वन और वन की, या फिर क्या कर सकते हैं, एक कम कर दें यहाँ पर, मतलब कि एक पर्सन को तीन ऑब्जेक्ट दे दें, एक को दो दे दें और एक को, दो लोगों को एक एक दे दें, या फिर एक यहाँ से कम करके इधर दे दें तो टू 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 वन, है ना। तो इन तीन तरीके से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग के तरीके क्या होंगे, ये आपने सीख रखा है, सेवन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल का क्यूब, और तीन ग्रुप का साइज सेम है तो थ्री फैक्टोरियल प्लस सेवन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, और दो ग्रुप का साइज सेम है तो टू फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल का क्यूब, और तीन ग्रुप का साइज सेम है तो थ्री फैक्टोरियल। ये तो ग्रुपिंग के तरीके हो गए। तो जब चार ग्रुप बनाएंगे तो चार ग्रुप्स को चार लोगों में बांटने का तरीका कितना होता है कि सबको एक एक मिल जाए, फोर फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का एक और तरीका होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, लेकिन वो एग्जाम में एडवाइजेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करते तो हमें फोर की पावर सेवन, फोर की पावर सिक्स, फोर की पावर सेवन, थ्री की पावर सेवन, ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं ना। तो वो एडवाइजेबल
नहीं है ना, 4 की पावर 7 आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना हो तो फिर आप काफ़ी फंस जाओगे। इसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है और आराम से हम प्रोसीड कर सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए में 7 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और बी में 10 एलिमेंट है 10 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस इन ए टू बी। ठीक है, पहले तो सोचें आप आंसर क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये होती है कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो 1 1 होता है, ठीक। और दूसरी बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का लॉजिक क्या होता है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़े उसके रिलेशन में वाई की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। कि जैसे मान लो कि 1 पर सपोज कर लो वैल्यू 2 है, तो अब 2 पर वैल्यू 1 नहीं हो सकती और 2 पर 2 तो नहीं हो सकता। अगर 1 पर 2 है तो 2 पर 2 तो नहीं हो सकती क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होता है। अगर 1 पर 2 है तो 2 पर वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक। ये बात पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात कि जैसे मान लो एक रैंडम मैपिंग की हम लोग ने कि 1 पर वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 पर 3 है सपोज कर लो, 3 पर 5 है ना, 3 पर 4 तो हो नहीं सकती। अब 4 पर क्या 4 आ सकती, नहीं, क्योंकि 3 पर 5 है तो 4 पर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो 4 पर 6 है, 5 पे 7 है, 6 पे सपोज कर लो 9 है और 7 पे सपोज कर लो 10 है। तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग ने मैपिंग बना दी है। तो जैसा कि मैं दो बार पहले भी बोल चुका हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होगा, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि 1 1 फंक्शन अगर ये होगा तो यानी कि 10 में से 7 लोगों की ही प्री में जाएगी, है ना। जैसे वो हम लोग ने शुरुआत में क्वेश्चन किया था ना 8C6, तो यहाँ पे भी 10 में 7 लोगों की प्री में जानी है। तो हम लोग ने क्या किया कि 10 में से पहले वो 7 लोग सेलेक्ट कर लिए जो मैपिंग में हम लोग यूज़ करेंगे। अब सपोज कर लो कि वो 10 में जो तुमने 7 लोग सेलेक्ट किए हैं वो ये हैं, मान लो 1 2 4 5 6 7 कितने हो गए और 9, 7 लोग ये हो गए, ठीक। मतलब कि कोडोमेन में 10 में से जो 7 लोग सेलेक्ट किए वो ये हो गए, ठीक। तो अब 10C7 के बाद बस हमें ये सोचते हैं कि मैपिंग का तरीका कितना होगा। तो कोडोमेन में हम लोग ये 7 एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं और डोमेन में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये बताओ कि ये डोमेन के एलिमेंट है ना और ये कोडोमेन के एलिमेंट है, तो भाई मैपिंग करनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली, 10 में से 7 एलिमेंट ये सेलेक्ट कर चुके हो, तो मैपिंग करने कितना तरीका है। देखो एक ही तरीका आएगा, अब तुम 1 को तुम्हारी मजबूरी की 1 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 को तुमने 2 से कर दिया तो फिर किसी ना किसी को 1 से करना पड़ेगा और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अलाउ नहीं करता है। ऐसे इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से, इसको 7 से और इसको 9 से, है ना। तो हमेशा जब हम लोग यानी कि हमेशा 10 में से जब 7 लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो मैपिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैपिंग रखने के लिए हमें मैपिंग करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10C7 × 1 यानी कि जो कि 10C7 हो जाएगा ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी पूछा होता तब भी सेम आंसर होता, बस तब क्या होता कि 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ो वैल्यू कम होनी चाहिए। तो मान लो 10 में से 7 लोग आप सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी 1 1 होता है, तो 1 को आप 9 से ही मैप कर पाते, 2 को 7 से करते, 3 को 6 से करते एंड सो ऑन, पीछे की तरफ आते रहते हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था और आपको एकदम ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसमें टिपिकल चीज़ें होती हैं नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना, है ना। तो वो किसी और वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया बनता है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेई मेन में आ भी चुका है। इसमें एक सेट दिया है जिसमें 1 से लेकर 25 तक एलिमेंट है 1 to 25, देन फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस एफ इन ए टू ए, मतलब डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी है, सच दैट एफ ऑफ के इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 वेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 5। इस लाइन का मतलब हमें समझना है। अच्छा, अगर इसमें कुछ ना बोला होता और सीधे 1 1 फंक्शन पूछे गए होते तो आंसर कितना आ जाता, 25 फैक्टोरियल आ जाता, ठीक है, डोमेन कोडोमेन में बराबर एलिमेंट है। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि एफ ऑफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 4 वेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि जब इनपुट जो है आपका वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल क्या क्या आएगा, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। व्हेनेवर एफ ऑफ के इज मल्टीपल ऑफ 4 व्हेनेवर के इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा,
आउटपुट होगा 4, 8, 12 वैसे लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24 ठीक। तो मतलब 5 पर वैल्यू जो आनी चाहिए वो 4 का मल्टीपल आनी चाहिए, 10 पर वैल्यू 4 का मल्टीपल आनी चाहिए, 15 पर वैल्यू 4 का मल्टीपल आनी चाहिए, 20 पर वैल्यू 4 का मल्टीपल आनी चाहिए और 25 पर भी वैल्यू 4 का मल्टीपल आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि 1-1 फंक्शन भी रहना चाहिए। तो केवल अभी केवल इतना पार्ट डिस्कस करें क्वेश्चन का। तो यहाँ डोमेन के 5 एलिमेंट जो हैं, इन 5 एलिमेंट की मैपिंग के लिए इनके पास इन 6 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, 1-1 भी रखना है। तो ऐसे समझो इसको कि डोमेन में 5 एलिमेंट हैं और कोडोमेन में 6 एलिमेंट हैं अभी के लिए, है ना। वो अभी जो बचे हैं उनको सोचते हैं। डोमेन में 5 एलिमेंट हैं और कोडोमेन में 6 एलिमेंट हैं, और 1-1 मैपिंग बनानी तो कितना तरीका होगा, कोडोमेन में से पहले 5 लोग सेलेक्ट कर लें जो 5 लोग मैपिंग करेंगे। तो 6C5 कोडोमेन में हम लोग ने 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। तो जैसे मान लो कि 20 हमने नहीं सेलेक्ट किया, 5 लोग सेलेक्ट किया, तो अब 5, 10, 15, 20 और 25 की मैपिंग किन किन से होगी, 4, 8, 12, 16 या 20 से, है ना। तो 5 लोगों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो 5 लोगों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, ठीक। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फंक्शन बनाने का मतलब क्या है कि सबकी मैपिंग होनी चाहिए। अभी तो हमने डोमेन के केवल 5 एलिमेंट्स की ही मैपिंग की है, और 5 एलिमेंट्स की मैपिंग करने में कोर डोमेन के 5 लोग यूज हो चुके हैं जो कि 6C5 से सेलेक्ट किए थे। अब बचे इधर कितने लोग बचे हैं, 20 लोग बचे हैं, और कोर डोमेन के भी 5 ही यूज़ हुए, तो इधर भी 20 लोग बचे हैं। तो 20 एलिमेंट इधर हैं, 20 एलिमेंट इधर हैं, मैपिंग करनी और 1-1 भी रखना है, तो कितने तरीके होंगे उसके, 20 फैक्टोरियल। ये देखो यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन का जो रेस्ट्रिक्शन था वो फुलफिल किया है। क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शन क्या था कि जब इनपुट 5 का मल्टीपल हो तो आउटपुट 6 का मल्टीपल हो, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये था कि फंक्शन हमारा 1-1 होना चाहिए। तो हम लोग ने पहले देख लिया कि इनपुट क्या क्या पे, आउटपुट क्या क्या चाहिए। तो 5 इधर थे, 6 लोग इधर थे, तो चूंकि 1-1 है तो इनमें से, इन 6 में से एग्जैक्टली 5 इनके साथ मैप करेंगे, तो वो 5 लोग सेलेक्ट कर लिए। और फिर 1-1 बनाने के लिए 5 एलिमेंट इधर 5 एलिमेंट इधर, तो 1-1 फंक्शन कितने, 5 फैक्टोरियल। लेकिन इतना करके हम क्वेश्चन छोड़ तो नहीं ना सकते, हमें तो फंक्शन कंप्लीट करना है। तो 5 लोगों की मैपिंग होगी, तो 20 लोग इधर बचे, 20 लोग इधर बचे, डोमेन में 20 एलिमेंट है, कोडोमेन में 20 एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, 20 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर 6C5 जो होगा 6 होगा, तो 6 × 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल × 20 फैक्टोरियल, है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लेना। ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में एक क्वेश्चन थोड़ा, उसका मैंने डेटा मिसइंटरप्रेट कर लिया था। तो ये क्वेश्चन अभी आप इसको होमवर्क में करना और इसका आंसर नीचे कमेंट करना, बाकी फिर इस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन भी करूंगा। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद से ट्राई करो। इन हाउ मेनी वेज 7 ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस इन 3 बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स रिमेंस एम्प्टी, और 3 केसेस बना लिए कि ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस दोनों डिस्टिंक्ट है, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, और तीसरा फिर ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसको ट्राई करेंगे आप और इसका आंसर मुझे बताएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।